पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस की समाअत शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दिन 11:30 बजे मुकदमा सुनेगा। अदालत उस्मन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है। अटॉर्नी जनरल भी दलाल देंगे। निगरान पंजाब हुकूमत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकला भी अपना मौकिफ पेश करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब। रहनुमा दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में सर जोड़ कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मौजूदा सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। माफिया अपने मफाद की खातिर इकट्ठा होकर अदलिया को तकसीम कर रहा है। वकला और आवाम आइन के साथ खड़े न हुए तो जंगल का कानून आ जाएगा। मुल्क बचाने के लिए 90 रोज में इंतखाबात नागुजीर। बहरानों से निजात का यही एक रास्ता है। हुक्मरान शिकस्त से खौफजदा हैं, ये जानते हैं। इमरान खान इकतदार में आ गया तो ऐन नारो नहीं देगा। PTI चेयरमैन का इंटरव्यू। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के तर्जुमान बन गए। जबान पाक का रंगबाज अक्सरीती जजेस की राय की तौहीन कर रहा है। PDM इलामिये पर तनकीद करने वाले मुंतजर हैं कि कब इमरान खान नाअहल हो और वो पार्टी की क़यादत संभाले। ये शैतानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और आवाम के खिलाफ खड़ा होता है। राणा सनाउल्ला का रिएक्शन। सियासी यतीम तमाम साजिशें नाकाम होने के बाद आवाम को मिलने वाले मुफ्त आटे के पीछे पड़ गए। इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं जो लोगों के पेट पर डाका डाले और उन्हें कारखानों से निकाल कर लंगर खानों में बिठा दे। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंग से। अदलिया के खिलाफ धमकी और तौहीन आमेज बयान इस्तेमाल की गई। PDM का गैर आइनी मुतालबात पर मबनी एलामिया सुप्रीम कोर्ट के उमूर में खुली मुदाखलत है। इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम होगा। MQM समेत सब पुराने इतिहादियों से राबते बहाल हो चुके। परवेज इलाही का दावा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजीद गहरी। CPEC के तहत खुंजरा पास राहदारी खोलने के इंतजामात मुकम्मल। तजारती और सफरी सहूलत आज से दोबारा बहाल हो जाएगी। नवंबर 2019 में बंदिश के बायस बेरोजगार होने वाले दोबारा खुशी से निहाल। मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल खुल कर बरसे। बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। आज दिन भर और कल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। मरी में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। OPEC+ ममालिक का मई से साल के आखिर तक तेल की पैदावार में यौमिया 11 लाख बैरल कमी का ऐलान। सऊदी अरब यौमिया 5 लाख बैरल तेल रजाकाराना तौर पर कम निकालेगा। मार्केट के इस्तेहकाम के लिए रूस भी पैदावार में रजाकाराना कमी के लिए तैयार। OPEC+ के वज़रा की कंट्रोलिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास आज होगा। और वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियां जारी। ICC ने नया लोगो जारी कर दिया। इवेंट के इनेकाद में 6 माह बाकी। शायकीन को अच्छी और मयारी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव पर उम्मीद।